त्रिवेदी, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इंग्लिश पेपर सॉल्यूशन फॉर एसएससी सीपीओ ऑफ एसएससी सीपीओ 2019 के बारे में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, दीज क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएससी सीजीएल 2019 एग्जामिनेशन, क्योंकि देखिए आप सभी को पता है एग्जाम कंडक्ट कौन करा रहा है, टीसीएसई करा रहा है। तो टीसीएसई कंटिन्यूअसली आपके सारे पेपर्स को बना रहा है, तो आपका जब पेपर बनाने की अथॉरिटी वही है, पेपर बनाने वाले लोग वही हैं, तो पेपर आप इसी से इंस्पायर होकर पेपर आएगा। इसलिए आपके लिए ये पेपर्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसको प्रस्तुत कर रहा हूं मैं अमन त्रिवेदी, और मेरे बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आई हैव बीन एजुकेटर एट अनअकैडमी सिंस फरवरी 2017, और इसके अलावा आप मेरे बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है AMANTE। ये मेरा रेफरल कोड है, जिसके बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल कोर्सेज। जितने भी आपके सब्सक्रिप्शन होते हैं उन सभी पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और उसके बाद आप जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनसे पढ़ सकते हैं, डेडिकेटेड डाउट सेशंस ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे जो दो कोर्सेज अभी चल रहे हैं, एक वोकैबुलरी का कोर्स है 7 बजे से 8 बजे तक जिसका टाइम है, दूसरा है 8:30 से 10 बजे तक जिसका टाइम है, जिसमें मैं आपको इंग्लिश ग्रामर थ्रू MCQs डिस्कस करता हूं। तो इन सभी चीज़ों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे आज के पेपर की, जो कि हमारा पहला पेपर होगा, जो कि फर्स्ट आपका पेपर हुआ था, जो उस जो फर्स्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, उसका हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करेंगे। और हाँ, इस पेपर का सॉल्यूशन दो पार्ट्स में आएगा, क्योंकि टोटल आपके 50 क्वेश्चन थे, तो 25 क्वेश्चन हम इस पार्ट में करेंगे और 25 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, वो एंटोनिम पूछ रहा है इंटेंशनल का। तो इंटेंशनल का एंटोनिम आपका क्या होगा? एंटोनिम पूछ रहा है, आसान सा क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग टू बी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इंटेंशनल का मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसा जिस जो इंटेंशन रूप से किया गया हो। कहते ना कि उसके इंटेंशन मुझे सही नहीं दिख रहे, तो इंटेंशनल का मतलब क्या होता है? आपका इरादे से, कुछ इरादा से किया गया है। तो कहते ना कि उसका इरादे है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो उसके इंटेंशंस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो इंटेंशनल मतलब हो गया कि कुछ पर्पसली किया गया है, आप कुछ चाहते हैं इसके बदले में, इस तरीके से किया गया है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब क्या हो गया? डेलिबरेटेड और इंटेंडेड। क्या मतलब हो गया? जानबूझकर किया गया है। तो मतलब क्या हुआ? डेलिबरेट, यानी कि जानबूझ या फिर इंटेंडेड, ये दो इसके मीनिंग्स हो गए। अब ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है, आपसे ऑप्शन दिया है डिजाइंड, फिर कहता है वॉलंटरी, फिर कहता है कैलकुलेटेड और एक्सीडेंटल। तो डिजाइंड मतलब कुछ डिजाइन किया जाने से रिलेटेड है, इसका मतलब ये आंसर हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वॉलंटरी, मतलब अपनी इच्छा से। कैलकुलेटेड मतलब हमने कुछ कैलकुलेट करके किया है। फिर हमसे कहता है एक्सीडेंटल। तो 3-4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इनमें से आपका आंसर क्या होगा? आप लोग देखिए साथ साथ, आप लोग एक काम करिएगा, जब भी आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों ने खुद से पेपर लगाया है या नहीं लगाया है, अगर लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगाया है तो एटलीस्ट आप इससे सीख सकते हैं, साथ ही साथ अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन पेपर को अपने, एटलीस्ट इंग्लिश का पेपर है तो पेन पेपर की उतनी कुछ खास जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट साथ साथ में आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट भी करते रहें, क्योंकि अटेम्प्ट करोगे तो ही आप सीखोगे, और अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कुछ खास सीख नहीं पाओगे, सिर्फ आप वीडियो देख लोगे और उससे ज़्यादा हमें फायदा नहीं होगा। तो इंटेंशनल का मतलब हो गया कि जानबूझकर कुछ किया गया है। वॉलंटरी मतलब हो गया कि जैसे कि वी नीड सम वॉलंटियर्स, हमें ऐसे लोग चाहिए जो वॉलंटियर हों, अपनी मर्जी से काम कर रहे हों, हमारे कहने पे नहीं कर रहे हों। और एक्सीडेंटल मतलब हो गया गलती से, यू आर नॉट ट्राइंग टू डू इट, मतलब एक्सीडेंटल का मतलब हुआ नॉट डेलिबरेट, जानबूझ के नहीं किया गया बट गलती से हो गया, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर विल बी, द करेक्ट आंसर विल बी एक्सीडेंटल ही सही जवाब होगा। क्यों सही जवाब होगा? क्योंकि एक्सीडेंटल का ही मतलब है नॉट डेलिबरेट, जो कि डेलिबरेट नहीं है, जो जानबूझकर नहीं किया गया है। तो इंटेंशनल का मतलब सभी को समझ में आ गया क्या हुआ? डेलिबरेट, इंटेंशनल मतलब जानबूझकर, और एंटोनिम पूछा गया एक्सीडेंटल हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का मतलब क्या होता है? कंटेमिनेट मतलब होता है किसी में मिलावट किया जाना। कंटेमिनेट का मतलब क्या हो गया? मिलावट किया जाना। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? कंटेमिनेटेड का मतलब, कंटेमिनेट करने का मतलब हो जाता है पॉल्यूटेड। कंटेमिनेट का मतलब हो गया एक तरीके से पॉल्यूटेड, या जिसमें कुछ मिक्स किया गया हो, मिक्स्ड सम अनवांटेड थिंग्स। यानी कि नॉट प्योर।
अब आपको ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, आपसे सिनोनिम पूछ रहा है, करेक्ट है। सैंक्टिफाई मतलब क्या होता है, सैंक्टिफाई जो है आपका रूटवर्ड से बनता है, सैंक्ट मतलब होता है पवित्र, तो सैंक्टिफाई मतलब हो जाता है किसी चीज को पवित्र बनाना, टू मेक समथिंग पायस, टू मेक समथिंग होली, ठीक है। देखिए समथिंग की स्पेलिंग मुझे ये होती है, मैं जब अभी कभी भी वीडियो में लिखूंगा तो एस टी एच लिख दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से समबडी को मैं एस बी लिख दूंगा, तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। क्लींस मतलब हो गया साफ करना, प्यूरिफाई मतलब भी साफ करना, ये सारे एंटोनिम्स हो गए। आपका सिनोनिम पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉल्यूट करना, किसी चीज को गंदा करना विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है आपकी, इनमें से आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, इनमें से अगर हम जो स्टेटमेंट दिया है इसमें कौन सा इसे सब्स्टिट्यूट करेगा। कह रहा है अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, यानी कि व्यक्ति जो कि पेन यानी कि जो दर्द को सहन कर सकता है या मुश्किलों को सहन कर सकता है विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, ना ही अपनी भावनाओं को दिखाए हुए और ना ही उनके लिए कंप्लेन करते हुए, तो उसके लिए आंसर क्या होगा, एक व्यक्ति जो पेन को आपका सहन कर सकता है। अब ऑप्शंस हमने देखी, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको ये जरूर याद करिएगा, जो भी ऑप्शंस में जितने भी दिए हैं इनको जरूर याद करिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में आ सकता है। जो सीजीएल 2018 वाले बच्चे होंगे वो इस बात से सहमत होंगे कि मैंने सीपीओ 2018 के भी पेपर करवाए थे एंड दे ऑब्वियसली हेल्प्ड मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका, ऑप्शन दिया है स्टोइक, दूसरा कह रहा है एग्नोस्टिक, तीसरा कह रहा है एस्केटिक और चौथा कह रहा है पेडांट। तो देखो पेडांट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेडांट से। पेडांट का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं कि वी नीड सम पेडांटिक क्वालिटीज, और जो बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने सीटेट वगैरह की तैयारी करी होगी उन्हें पता होगा आपका, उन्हें पता, उन्होंने पढ़ा होगा, एक सब्जेक्ट होता है उनका पेडागोजी, उनका एक सब्जेक्ट होता है पेडागोजी, तो पेडांट जो है उसी से रिलेट करके आप याद कर सकते हो, पेडांट जो है पेडागोजी से ही बनता है। पेडागोजी का मतलब क्या होता है, पेडा मतलब हो जाता है किसी को, जैसे पेडागोजी का मतलब क्या है, दोज हु आर टेट के बच्चे होंगे वो बता पाएंगे, पेडागोजी का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका। तो पेडांट का मतलब हो जाता है अ पर्सन हु इज टू कंसर्न्ड विद स्मॉल डिटेल्स और रूल्स स्पेशली व्हेन लर्निंग और टीचिंग, यानी कि जो पढ़ाने के तरीके से, वी नीड ए पेडांटिक बिहेवियर, यानी कि रिलेटेड टू टीचिंग हो जाता है ये आपका, एक ऐसा व्यक्ति जो स्मॉल डिटेल्स पे बहुत फोकस करता है पढ़ाते वक्त, ठीक है। अ पर्सन हु इज टू कंसर्न्ड विद स्मॉल डिटेल्स व्हेन लर्निंग और टीचिंग, ठीक है, पढ़ाते वक्त या पढ़ते वक्त जो बहुत ज्यादा स्मॉल डिटेल्स पे फोकस करता है उसे हम कहते हैं पेडांट, ठीक। अगला वर्ड आपका क्या दिया हुआ है, एस्केटिक, एस्केटिक बिहेवियर, एस्केटिक मतलब क्या हो जाता है, एस्केटिक, देखो एस्केटिक जो टर्म दिया है, एस्केटिक का मतलब हो जाता है, एस्केटिक आपका नाउन भी है एडजेक्टिव भी है, मतलब हो जाता है एक ऐसा व्यक्ति हु इज अ काइंड ऑफ मॉन्क या हर्मिट है, जो बहुत ही सिंपल लाइफ जीता है विदाउट एंड्योरिंग एनी फिजिकल प्लेजर, जिसको फिजिकल प्लेजर से मतलब नहीं होता है, कहने का मतलब हुआ नॉट कनेक्टेड विद फिजिकल प्लेजर, ठीक है, शारीरिक सुख से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। और अगला व्यक्ति, अगला जो शॉर्ट टर्म है वो है आपका एग्नोस्टिक, तो एग्नोस्टिक का मतलब हो जाता है आपका, एग्नोस्टिक मतलब एथीस्ट हो गया एक तरीके से, आप देखो एथीस्ट और एग्नोस्टिक में फर्क है, देखो एथीस्ट हो जाता है जो एथीस्ट कह लेता है कि एथीस्ट हो गया जो कि थीस्ट नहीं है, मतलब ही डज नॉट बिलीव इन गॉड, ये भगवान में मानता ही नहीं है, ठीक है, अथीस्ट हो गया जो भगवान में मानता ही नहीं है, बट एग्नोस्टिक कहता है वी कैन नॉट नो दैट वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, ये मानता है कि नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, ही बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, मतलब ही इज नॉट श्योर अबाउट कि गॉड है या नहीं है, तो इसे कहते हैं एग्नोस्टिक। तो बचा क्या आपका ऑप्शन, दैट इज स्टोइक, स्टोइक का मतलब हुआ जो मुश्किल परिस्थितियों को, पेन को, हार्डशिप को विदाउट कंप्लेनिंग, विदाउट एनी फीलिंग सहन कर सकता है, उसे कहते हैं स्टोइक। तो आंसर यहां क्या बनेगा आपका, स्टोइक, स्टोइक इज अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, आंसर विल बी ए पार्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया,
चार ऑप्शंस थे, मुझे लगता है चारों के मीनिंग आप सभी को समझ में आ गए होंगे। एग्नोस्टिक हो गया, जो धर्म को लेकर कंफ्यूज है, भगवान है या नहीं है, भगवान को लेकर कंफ्यूज है। एस्केटिक, हर्मिट, संतों वाली जिंदगी, जो बिल्कुल ही जिसको कोई लेना देना नहीं है सांसारिक सुखों से। पेडांट हो गया, जो पढ़ाते वक्त बहुत छोटी छोटी स्मॉल डिटेल्स पे फोकस करता है, उसे कहेंगे हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। कहता है आई एंजॉय टू वॉच अ गुड डिटेक्टिव मूवी। आई एंजॉय टू वॉच अ गुड डिटेक्टिव मूवी, मीनिंग क्या हो गया? अब ऑप्शन दिए हैं वॉचिंग, फिर कह रहा है वॉच्ड, फिर कह रहा है नो सब्सटीट्यूट, नो आपका इंप्रूवमेंट एक तरीके से, और फिर कह रहा है वॉच। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर फॉर द क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आई एंजॉय वॉचिंग अ गुड डिटेक्टिव मूवी। ठीक है, आंसर विल बी आई एंजॉय वॉचिंग अ गुड डिटेक्टिव मूवी विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि आपको देखिए, जब एंजॉय इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके बाद आपको जीरंड का इस्तेमाल करना होता है, एंड वॉचिंग क्या है? वॉचिंग आपका जीरंड है। ठीक है, वॉचिंग क्या है? वॉचिंग क्या हो जाता है? आपका जीरंड हो जाता है। इसलिए आपको यहां पर किसका लगाना पड़ेगा? वॉचिंग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, वॉच्ड नहीं होगा, नो सब्सटीट्यूशन नहीं होगा, यानी कि नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, वॉच नहीं होगा। आंसर होगा इस क्वेश्चन का वॉचिंग, आई एंजॉय वॉचिंग अ गुड डिटेक्टिव मूवी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपको ये समझ में आ गया क्यों होगा? क्योंकि यहां पर आपको इन्फिनिटिव नहीं लगाना है, आपको यहां जीरण लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ही ऑप्टेंड 80% मार्क्स इन साइंस, ही ऑप्टेंड 80% मार्क्स इन साइंस इन हाई स्कूल, ही हैज क्वालिफाइड डैश द साइंस स्ट्रीम इन प्लस 2। उसने 80% मार्क्स साइंस में हासिल किए हैं, ही हैज क्वालिफाइड, उसने क्वालिफाई किया है डैश द साइंस स्ट्रीम इन प्लस 2, उसने साइंस स्ट्रीम के लिए क्वालिफाई किया है प्लस 2 में। तो एट लिखा है, टू लिखा है, इन लिखा है या फॉर लिखा है? जब मैंने हिंदी में इसको बताया तो आप समझ गए होंगे किसके लिए क्वालिफाई किया है, फॉर। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉर, ही हैज क्वालिफाइड फॉर द साइंस स्ट्रीम इन प्लस 2। ठीक है, अगर आप लिए के सेंस में क्या लगाते हो? फॉर लगाते हो, इन टू या फिर एट नहीं होगा। आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? फॉर, ही हैज क्वालिफाइड फॉर द साइंस स्ट्रीम इन प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। आरपीएम इज रिसीव्ड विद ओपन आर्म्स वेयर एवर ही गोज। तो इसको आप ऐसे ही इमेजिन करके देखो कि अगर आपके साथ किसी से मिलते हो और आप उसे ओपन आर्म्स, यानी कि खुली बाहों से अगर आप उसे मिल रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसका अच्छे से स्वागत करते हो, गर्मजोशी के साथ में मिलते हो, और गर्मजोशी से रिलेटेड टर्म क्या बचेगा आपका? वो हो जाता है वार्मली, यानी कि अच्छे से उनका स्वागत किया जाता है, वार्मली उनका स्वागत किया जाता है। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा वार्मली। ऑनरेबली मतलब होता है सम्मानपूर्वक, तो वो होगा नहीं। प्रॉम्प्टली मतलब होता है क्विकली, बहुत तेजी से, और हार्मोनियसली मतलब हो जाता है आपका दैट वी शुड रिमेन हार्मनी। हार्मोनियसली मतलब हो जाता है सामंजस्यपूर्ण से, यानी कि आप हार्मनी बनाकर रखते हैं, तो उस सेंस में आ जाता है आपका हार्मोनियसली। ठीक है, तो दैट विल बी नॉट करेक्ट आंसर। आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा वार्मली, ये एक idiom था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर आपसे वो पूछ रहा है रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड क्या है यहां पर। ठीक है, तो आपके चार ऑप्शन दिए हैं, जंबल, जूनियर, जर्नी और जोबियल। तो आपको मीनिंग पता, मीनिंग का खैर हमें यहां पर जरूरत नहीं है। देखो, जंबल तो आपको पता होगा, पैरा जंबलिंग आप खूब करते हैं, JUMBLE करेक्ट है बिल्कुल। अगला लिया है जूनियर आपको, तो जूनियर का मतलब होता है आपसे जो जूनियर है, आपसे जो मतलब एक से एक दर्जा कम है, उसे कहेंगे, तो ये आपका गलत है। जॉवियल होता है, जॉवियल, जॉली, हिलेरियस मतलब होता है वेरी हैप्पी। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा जर्नी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जर्नी जो है वो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कहता है आपसे सिनोनिम बताइए गिवन वर्ड का। कहता है सबसीक्वेंट, सबसीक्वेंट का आपसे सिनोनिम पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन दिया है कंसीक्वेंट, कंसीक्यूटिव, फिर कहता है प्रीसीडिंग, फिर कहता है एंटीसीडेंट, फिर कह रहा है प्रायर। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपसे? सिनोनिम पूछ रहा है आपसे सब्सिक्वेंट का, तो सब्सिक्वेंट का सिनोनिम क्या होगा? कंसीक्यूटिव, प्रीसीडिंग, एंटीसीडेंट या फिर प्रायर। तो आंसर देखिए, प्रायर का मतलब होता है पिछला, प्रायर मतलब हो जाता है प्रीवियस। ठीक है, या जैसे कि आई डू नॉट हैव प्रायर नॉलेज, मुझे पहले से नहीं पता था, तो वो होगा नहीं। एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट मैं आप लोग को पढ़ाता हूं। जैसे अगर मैं कहूं ही इज द बॉय हु स्कोर्ड 20 out of 20, तो हु का एंटीसीडेंट क्या है? बॉय। जो एंटीसीडेंट मतलब होता है जो इसके पहले आता है, तो ये भी नहीं होगा।
प्रिसीडिंग मतलब क्या होता है, जैसे व्हाट आर द प्रिसीडिंग टर्म्स या हु इज द प्रिसीडिंग, प्रिसीडिंग मतलब क्या हो जाता है, प्रिसीडिंग मतलब भी पिछले से ही हो जाता है, ठीक है। जैसे वी नीड टू प्रिसीड, हमें पीछे बढ़ना पड़ेगा, तो प्रिसीडिंग का मतलब हो जाता है एक तरीके से पीछे या फिर पहले के लिए आ जाता है, करेक्ट है, तो प्रिसीडिंग भी नहीं हो जाएगा। कंजिक्यूटिव हो जाएगा, कंजिक्यूटिव का मतलब हो जाता है लगातार, तो एक के बाद एक लगातार के लिए जो टर्म आता है वो कंजिक्यूटिव ही आता है, एंड सब्सिक्वेंट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंजिक्यूटिव ही सही जवाब इस क्वेश्चन का होगा, ठीक है। तो कंजिक्यूटिव विल बी द करेक्ट आंसर, सब्सिक्वेंट का आंसर क्या होगा, कंजिक्यूटिव, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इनमें से कौन सा है, कह रहा है रिलायबल, रियाम, रिजेंबल और रेडियस। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए आप मतलब इसलिए आसान है ये क्योंकि जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है आपने खूब देखा होगा, जो भी लोग थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी में पेपर सॉल्व करते हैं उन्हें पता है रेडियस की स्पेलिंग ए होती है, यहाँ ई नहीं होती, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। रिजेंबल के साथ खास बात यह है कि रिजेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, ये बात याद रखिएगा आप लोग, रिजेंबल की स्पेलिंग सही है, रिजेंबल का मतलब होता है ही लुक्स लाइक समवन, ठीक है, तो रिजेंबल का मतलब सभी को पता चल गया, रिजेंबल का मतलब होता है लुक्स लाइक समवन। और इसके अलावा है रियाम, तो रियाम का मतलब हो जाता है आपका, रियाम का मतलब हो जाता है किंगडम किसी का, जो ठीक है जो एरिया है उस सेंस में आ जाएगा किंगडम। और रियाम से रिलेटेड आप एक idiom याद कर लीजिए, बियॉन्ड या फिर विद इन द रियाम्स ऑफ पॉसिबिलिटी, बियॉन्ड या फिर विद इन द रियाम्स ऑफ पॉसिबिलिटी, तो इसका एक मतलब हो गया, अगर बियॉन्ड वाला मतलब है तो वो हो जाएगा नॉट पॉसिबल, और विद इन वाला है तो इसका मतलब हो जाता है पॉसिबल, ठीक है। रिलायबल मतलब हो जाता है भरोसेमंद, ठीक, तो आंसर यहां हो जाएगा रेडियस, करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, कह रहा है आई कुडंट गॉट स्लीप बिकॉज द पीपल इन द नेक्स्ट रूम वर टॉकिंग वेरी लाउडली, मुझे नींद नहीं आई क्योंकि जो अगले पिछले रूम में जो लोग थे वो बहुत तेजी से बातें कर रहे थे, तो आपको इस पार्ट का इंप्रूवमेंट करना है। आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आई कुडंट गेट स्लीप, तो आंसर बहुत सिंपल है, देखो बेटा कैन या फिर कैन हो या फिर आपका सॉरी कैन हो आपका या फिर कुड हो या फिर शुड हो मे हो या फिर माइट हो, इन सभी के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो गॉट आने का कोई सेंस ही नहीं है, सिंपली क्या हो जाएगा आई कुडंट गेट स्लीप, आई कुडंट गेट होगा पहली चीज़ तो ये होगा। अब अगले पार्ट पे आएंगे, यहाँ कहता है सम और यहाँ कह रहा है एनी, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इन्होंने खैर बनाया है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि एसएससी ने इस बार अच्छे क्वेश्चन दिए, ये तो होगा नहीं खैर, मान लीजिए नो सब्स्टिट्यूशन क्योंकि कुडंट गेट होगा, और आपका गॉट वाला हम पहले रिमूव कर देते हैं। अब हमें कंफ्यूजन बचेगा फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, तो इसके लिए ये समझ लो कि सम जो है वो आपका आ जाता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और एनी जो है वो आता है आपका निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, करेक्ट है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा आपका, यहां सम स्लीप नहीं होगा, इट विल बी एनी स्लीप, आई कुडंट गेट एनी स्लीप, क्योंकि ये निगेटिव है और निगेटिव है तो उसके साथ में एनी आएगा, तो आंसर हो जाएगा आई कुडंट गेट एनी स्लीप बिकॉज द पीपल इन द नेक्स्ट रूम वर टॉकिंग वेरी लाउडली। अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा @aman_trivedi, अगर पिन नहीं इससे नहीं होता है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा @aman_trivedi, ठीक है, वहां पर मैं इस क्लास सेशन का पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा आप अगर aman.trivedi.com पर भी एक्सेस कर सकते हैं इसके पीडीएफ को, मैं वहां पे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो आप दोनों ही जगहों से इसके पीडीएफ को अपलोड कर पाएंगे। हाँ पीडीएफ अपलोड में थोड़ा सा समय लगेगा मैं ये मान लेता हूँ, लेकिन हाँ पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, वीडियो के तुरंत बाद नहीं, लेकिन हाँ पीडीएफ आपको अपलोड मिल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, कहता है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, गिवन वर्ड का आपको सिनोनिम देना है, कह रहा है एडिक्वेट का सिनोनिम क्या होगा, एडिक्वेट का सिनोनिम क्या होगा, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, एडिक्वेट का मतलब जैसा होता है जैसे कि दे हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, एडिक्वेट मतलब हो जाता है, एडिक्वेट का मतलब हो जाता है बहुत अधिक मात्रा में, अच्छी खासी मात्रा में। मियगर का मतलब होता है मियगर ऑफ मियगर या फिर स्कार्सिटी ऑफ फंड, मियगर मियगर अमाउंट ऑफ फंड्स या मियगर अमाउंट ऑफ थिंग, तो ही हैज अ वेरी मियगर अमाउंट ऑफ इनकम, तो मियगर मतलब होता है बहुत कम, वेरी लेस, ठीक है। इनेप्ट का मतलब क्या होता है, इनेप्ट मतलब आप ऐसे समझ लो, इनेप्ट का मतलब क्या हो जाता है, हु इज जो निपुण नहीं है किसी कार्य में, जो दक्ष नहीं है, हु इज नॉट स्किल्ड, ठीक है, नॉट स्किल्ड हो जाता है आपका,
ठीक है, अनफिट मतलब जो कि फिट नहीं है किसी चीज के लिए, तो ये भी नहीं होगा. तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सफिशियंट विल बी द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड. एडिक्वेट का मतलब हो गया सफिशियंट अमाउंट में, कोई आपके पास कोई चीज होने के सेंस में आ जाता है आपका एडिक्वेट. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं. कहता है आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom. तो idiom बड़ा अच्छा दिया है इन्होंने, बड़ा लंबा सा दिया है, मैं पहली बार देख रहा हूँ इस तरीके के SSC ने कभी पूछा हो. कह रहा है ऑफ एंड ऑन, अच्छा ये idiom है आपका, बाकी आपका सेंटेंस है ऑफ एंड ऑन आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई हेक्टिक शेड्यूल टू रिफ्रेश माई सेल्फ. मैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ऑफ एंड ऑन कभी कभी आपका ब्रेक लेता हूँ. तो ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होगा इस क्वेश्चन का आपको बताना है. ऑफ एंड ऑन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफ एंड ऑन. देखिए कह रहा है ऑफ एंड ऑन आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई हेक्टिक शेड्यूल. ऑफ एंड ऑन आई टेक ब्रेक फ्रॉम माई हेक्टिक शेड्यूल, व्हाट इज द करेक्ट आंसर. ऑफ एंड ऑन या फिर आपका ऑन एंड ऑफ, ठीक है, क्या मतलब है ऑन एंड ऑफ या फिर ऑफ एंड ऑन, दोनों ही होते हैं. कुछ लोग को लगता है कि ऑन एंड ऑफ या ऑफ एंड ऑन गलत है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही सेम हैं. रेयरली मतलब होता है बहुत ही कभी, सेल्डम मतलब हो गया कि वही रेयरली और सेल्डम मतलब कभी कभार के सेंस में होंगे. इमीडिएटली मतलब तुरंत, और पीरियोडिकली मतलब एक फ्रॉम टाइम टू टाइम. पीरियोडिकली मतलब क्या हो गया कि एक समय के दौरान, एक टाइम टू टाइम होता है. तो आंसर जो इसका मीनिंग होता है वो यही होता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, अक्सर लेता रहता हूं, या फिर नाउ एंड अगेन. तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, पीरियोडिकली. पीरियोडिकली आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई हेक्टिक शेड्यूल टू रिफ्रेश माई सेल्फ. ठीक है, आंसर क्या होगा, पीरियोडिकली. करेक्ट है, समझ आ गया. चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं. आप लोग साथ में साथ साथ अटेम्प्ट भी करते जाइएगा अपने मन मन में, तो उससे आपको बेहतर समझ में आएगा. क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, इसमें इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है. कहता है इन अबाउट 2 वीक्स और हॉलीडेज, आर हॉलीडेज विल स्टार्ट. ओके, करीब 2 हफ्ते में हमारे हॉलीडेज जो हैं वो शुरू हो जाएंगे. तो कह रहा है इन अबाउट 2 वीक्स आर हॉलीडेज विल स्टार्ट. आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा. इन अबाउट 2 वीक्स आर हॉलीडेज विल स्टार्ट. इन अबाउट 2 वीक्स आर हॉलीडेज विल स्टार्ट. इन अबाउट 2 वीक्स आर हॉलीडेज विल स्टार्ट. तो इसमें आपसे पूछ रहा है एरर किस पार्ट में है. इन अबाउट 2 वीक्स आर हॉलीडेज विल स्टार्ट, तो करीब 2 हफ्तों में हमारे हॉलीडेज शुरू होंगे. नो एरर है, आर हॉलीडेज है, विल स्टार्ट है, इन अबाउट 2 वीक्स. तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस. सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है, कोई भी एरर इस क्वेश्चन में नहीं है. ठीक है, सेंटेंस अपनी जगह एकदम परफेक्ट है. चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं आपका. तो द नेक्स्ट इज आर, आपका अगला है हमारा क्लोज टेस्ट. ठीक है, तो वी विल फिनिश दिस क्लोज टेस्ट एंड उसके बाद इस वीडियो को हम फिनिश करेंगे. क्वेश्चन, आप क्लोज टेस्ट को 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए यहीं पर, उसको ध्यान से पहले एक बार क्लोज टेस्ट पढ़ लो सबसे पहला काम, उसके बाद इसे अटेम्प्ट करो. ठीक है, तो पॉज कर लीजिए. चलिए, आई होप आप लोगों ने किया होगा और पढ़ा होगा. ठीक है, हम मुझे पता है बहुत कम लोगों ने किया है, लेकिन ठीक है, जो लोग ईमानदार हैं उन लोगों ने किया होगा. कह रहा है आई हैड सीन द मैजिक शॉप फ्रॉम, आई हैव सीन द मैजिक शॉप फ्रॉम अफार, फ्रॉम अफार सेवरल टाइम्स. ठीक है, उसके बाद कहता है आई हैड पास्ड डैश वंस और ट्वाइस एंड अ शॉप विडो ऑफ, अ शॉप विडो ऑफ, सॉरी यहाँ विंडो, सॉरी अ शॉप विंडो ऑफ डैश लिटिल ऑब्जेक्ट्स, मैजिक बॉल्स, मैजिक हैंड्स, वंडरफुल कोन्स, मैजिक वुड डॉल्स एंड ऑल दोज डैश ऑफ थिंग्स, बट नेवर हैड आई थॉट ऑफ गोइंग इन डैश वन डे, जिप हॉल्ड मी बाई फिंगर. उसके बाद कहता है राइट डैश टू द विंडो. क्या आंसर होगा, आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा. कह रहा है यहाँ पे देम, दीज, दिस और इट. ठीक है, कह रहा है आई हैड सीन द मैजिक शॉप, क्या इस्तेमाल किया, आई हैव सीन द मैजिक शॉप फ्रॉम अफार, मैंने दूर से मैजिक शॉप को कई बार देखा है. आई हैड पास्ड डैश वंस और ट्वाइस, मतलब मैं वहां से, उसके पास से 1 या 2 बार ही पास हुआ हूं. करेक्ट है, तो यहां पे जो वो आप इस्तेमाल करना है आपको प्रोनाउन, देखो यहां दिस दिया है, देम दिया है, दीज दिया है, दिस दिया है, इट दिया है. अब आपको जो प्रोनाउन लगाना है वो किसके लिए लगाना है, वो प्रोनाउन आपको लगाना है इसी मैजिक शॉप के लिए. अब ये मैजिक शॉप क्या है, सिंगुलर है, तो प्रोनाउन सिंगुलर आएगा, तो यू कैन एलिमिनेट दीज और देम, क्योंकि ये आ ही नहीं सकते, आएंगे तो सिंगुलर ही आएगा. दूसरी बात, दिस कह रहा है और इट कह रहा है, दिस कब आता है, जब आप किसी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हो, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे होते हो, जैसे दिस बुक या दिस दिस कार. ठीक है, आई हैव प्लेड दिस मैच, तो उस तरीके से आएगा. लेकिन आप बात कर रहे हो इस मैजिक शॉप की, तो इसके लिए प्रोनाउन आएगा इट,
इसलिए आंसर हो जाएगा इट, यहां पर दिस नहीं होगा, ठीक है। तो आई हैड पास्ड इट वंस और ट्वाइस, मैं इसके पास से एक या दो बार गुजरा हूं, करेक्ट, समझ आ गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैंक नंबर 2 कहता है आई हैड पास्ड इट वंस और ट्वाइस, एक या दो बार गुजरा हूं, अ शॉप विंडो ऑफ डैश लिटिल ऑब्जेक्ट्स। तो कह रहा है डैश लिटिल ऑब्जेक्ट्स। अब जो लिटिल ऑब्जेक्ट्स है ऑप्शन अगर आप देखो ध्यान से, तो यहां पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अल्यूरिंग, अल्योर्ड, अल्योर्ड और अल्योर। इसका मतलब यह है कि वो सिंपल सी बात यहां पर क्या लिखना चाह रहा है, एडजेक्टिव लिखना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर लिटिल ऑब्जेक्ट उसने ऑलरेडी लिख रखा है, तो उसके आगे वो क्या लगाएगा, ऑब्वियसली एडजेक्टिव ही लगाएगा, करेक्ट है। अब देखो यहां पर अल्योर का मतलब पता होना चाहिए, अल्योर का मतलब होता है अट्रैक्टिव, ठीक है, अल्योर का मतलब होता है अट्रैक्टिव। और पार्ट्स ऑफ स्पीच अल्योर की क्या हो जाती है, वो हो जाती है नाउन, ठीक। तो अल्योर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, इसका अगर आप इसका आप एडजेक्टिव बनाने की बात करो तो वो अल्योर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि नाउन का जब एडजेक्टिव बनेगा तो वो अल्योर्ड नहीं बन सकता। अगर ये वर्ब होता तो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल एडवर्ब ये अल्योर्ड बना के आप उसका पास्ट बनाते हो, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, अल्योर्स हो नहीं सकता, क्योंकि आपका जो अल्योर है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका प्लूरल बन ही नहीं सकता, इसलिए ये हो नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या बचता है आपका, एक ही बचता है, दैट इज अल्योरिंग। तो क्या हो जाएगा, अ शॉप विंडो ऑफ अल्योरिंग लिटिल ऑब्जेक्ट्स, मैजिक बॉल्स, मैजिक हैंड्स विल बी द करेक्ट आंसर। और आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि अल्योरिंग मतलब क्यों होगा, क्योंकि वही यहां पर एज एडजेक्टिव काम करेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यहां पर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है उसने कि ऑल दोज डैश ऑफ थिंग्स। अब ऑल दोज डैश ऑफ थिंग्स बहुत सिंपल है, ये वाला आसान हो जाता है, डिजाइन ऑफ थिंग्स, शेप ऑफ थिंग्स, पैटर्न ऑफ थिंग्स या सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो टाइप ऑफ थिंग्स बताने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑल दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स विल बी द करेक्ट आंसर। डिजाइन ऑफ, शेप ऑफ, पैटर्न नहीं होगा, ऑल दोज टाइप ऑफ थिंग्स कह रहा है, मतलब ऑल दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स कहने का मतलब हो जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका ऑप्शन ब्लैंक नंबर 4, बट नेवर हैड आई थॉट ऑफ गोइंग इन डैश वन डे। तो मैंने कभी बट नेवर हैड आई थॉट ऑफ गोइंग इन डैश वन डे, तो कहने का मतलब हुआ मैंने कभी भी इसमें जाने का नहीं सोचा, गोइंग इन मैंने कभी नहीं सोचा, डैश वन डे जिप हॉल्ड मी बाई माई फिंगर, जब मैंने कभी भी इसमें जाने का नहीं सोचा था, लेकिन क्या हुआ, एक दिन वन डे जिप ने मुझे मेरी फिंगर से वहां पर उसने मुझे इशारा किया राइट एंड टू द विंडो, ये कहने का मतलब है। तो कहना क्या चाह रहा है, मैंने नहीं सोचा था, हैड मैंने नहीं सोचा था, अनटिल जब तक कि एक दिन जिप ने मुझे फिंगर से हॉल नहीं किया, मुझे उस तरफ इशारा नहीं किया। तो वाइल, आफ्टर या सिंस नहीं होगा, विल बी अनटिल, जब तक कि उसने ऐसा नहीं किया था, मैंने नहीं सोचा था कभी भी जाने का, अनटिल जिप हॉल्ड अप माई फिंगर। अब ऑप्शन लिखता है नेक्स्ट आपका राइट डैश, तो राइट के बाद कहता है डैश टू द विंडो, आउट, अप, आउट या डाउन, डाउन या फिर इन, आंसर क्या हो जाएगा, राइट अप टू द विंडो विल बी द करेक्ट आंसर, राइट अप टू द विंडो, ठीक है, आउट नहीं होगा, डाउन या इन नहीं होगा, राइट अप टू द विंडो यानी कि विंडो की तरफ इशारा किया, राइट अप यहां पर सही फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोज टेस्ट था, थोड़ा सा अच्छा भी था, एक दो क्वेश्चन टफ भी थे, एक क्वेश्चन आसान भी थे, एक वोकैबुलरी बेस्ड भी था, बाकी ग्रामर बेस्ड था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दिस इज द गर्ल डैश गोइंग टू IIT दिल्ली। तो बहुत सिंपल है, देखो यहां पर दैट कह रहा है, हु कह रहा है, विच कह रहा है, देखो दैट नहीं आता है, गर्ल है, पर्सन है, उसके लिए दैट नहीं आता, विच नहीं आता क्योंकि भाई वो भी पर्सन के लिए नहीं आता, बचा आपका हुम या फिर हु, तो हुम देखो कब आता है, हुम के बाद आना चाहिए अनदर सब्जेक्ट और हु के बाद आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हु इज गोइंग टू IIT दिल्ली, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, इसमें आपसे पूछ रहा है लेमेंट का मतलब क्या होता है, तो बेटा देखो लेमेंट का मतलब होता है आपका रोना या फिर विलाप करना। तो ब्लीड मतलब हो गया खून निकलना, बिमोन आपका सिनोनिम्स में आ जाएगा, अपील करना मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना, उस तरीके से हो गया, आपसे एंटोनिम पूछ रहा है, सिनोनिम नहीं। तो लेमेंट का मतलब क्या है, लेमेंट का मतलब हो जाता है आपका रोना, तो आंसर क्या होगा, सेलिब्रेट करना, ठीक है, आंसर विल बी सेलिब्रेट करना विल बी द करेक्ट एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड, ठीक है।
तो यहीं तक रखते हैं, बाकी के जो आपके 30 क्वेश्चंस बचते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा जल्दी से जल्दी, डोंट वरी अबाउट इट। और अगर आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहते हैं तो अमन त्रिवेदी सर्च करिए अनअकैडमी पर, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करिए AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मैंने बैचेस के बारे में जानकारी दे दी है, अधिक जानकारी के लिए आप लोग 8299117042 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर aman.sscmentor@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं, और या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मेरा AMANTRIVEDII, है बस एंड में, बाकी सेम है, ठीक है। टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर मैं PDF एंटर कर दूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड, अपना खूब ख्याल रखिए, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।